अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन करम, हम आपको आज सबीर हुसैनी का एक मौजज़ा दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। नाज़रीन करम, हम हामिद वेरी में हैं जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पर हमने एक वेल बोर किया है। हम आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले जब हमारे सीईओ साहब सैयद जफरुल्लाह शाह साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये गाँव सेलेक्ट किया था और यहाँ पर जो हैंडपम्प जैसे आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल वो ख़राब पड़ा हुआ था। हमने यहाँ पर मालूम किया कि यहाँ पर पानी जो था वो कैसा था, तो पानी यहाँ का कड़वा था, पीने के लायक नहीं था। हालांकि लोग यहाँ पर जो थे वो हकदार थे सबील हुसैनी के और हम इनको हुसैनी सबील देना चाहते थे, लेकिन पानी कड़वा, अगर देते तो भी रायगा जाता। और आप तमाम लोगों के, आप तमाम हजरात के जो अखराज हैं, जो अतियात हैं, वो रायगंज जाते। हमारे टीम का जो टाइम है वो भी रायगंज जाता। तो यहाँ पर हम एक वेल नहीं बनाना चाह रहे थे। फिर एक दोस्त ने बड़े शाह साहब को कुछ कहा था कि आप सबील हुसैनी, आप डर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुआं लगाएंगे, वेल बोर करेंगे और पानी कड़वाएगा। तो हमारी टीम ने और हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा, हम इतने बड़े अखराजात जो हैं वो आप हजरात के वो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो फिर पानी तो कड़वाए, आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता, पीने का पानी आपको मैसर नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पर एक वेल बोर किया क्योंकि उसने एक चैलेंज किया था कि मौला हुसैन का नाम लेकर अगर आप कहीं पर भी वेल बोर करोगे, नमक की कान में भी वेल बोर करोगे, वो मीठा होगा, वो पीने जैसा होगा। हुसैनी सबील की बरकत क्या है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और अभी वाटर पंप एक लगा हुआ है, वो वहाँ पर भी ले चलता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ क्या पोजीशन है। अच्छा मुगल मोहम्मद जी, तो आप कितने अरसा, कितनी उम्र, कितनी मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल है, तो ये बचपन से ही पानी का मसला है? बिल्कुल सर, ये बचपन से ही पानी का मसला है। हमारे को याददाश्त है 20 साल से। अच्छा सर, हमारे अपने ही गांव में 20 साल से मेरे को याददाश्त है, कभी पानी, कई जगह पे हमने कुएं खोते हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, हाँ, कभी मीठा नहीं निकला। 2 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर से हम पानी लेकर आते थे। अभी हुसैनी सबील वालों ने, ये केयर फाउंडेशन वालों ने हमारे को कुआ दिया, गाँव के बीच में हमने लगवाया, बिस्मिल्लाह की रहमत से वही पहले ही मीठा निकला। क्यों मीठा क्यों निकला है? ये तो उन मालिक को पता है, हमारे को नहीं है, कैसे हम कह सके। नाम जो नाम हुसैनी सबील, हुसैनी सबील है, उसी के सदके हमारे को मीठा पानी मिल गया। मैं उसी का, यानी इस इलाके में ये बता रहे हैं कि मीठा पानी नहीं है, लेकिन आप नामे हुसैन की बरकत देखिए कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत कि वहाँ पर जो पानी इन्होंने खोदा गया तो वहाँ पर जो है वो पानी निकला है और मीठा है। अब क्या कहते हो कि अब पानी कड़वा है तो यहाँ हम क्या करें, तो कैसे मीठा कैसे कितनी होगा? बस अभी इधर बस हुसैनी सबील के नाम पे अभी लगवाएं। तो आपका यकीन है कि मीठा? यकीन है बिल्कुल, मेरा तो यकीन है, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कि मेरा यकीन है। अब मुगल मोहम्मद मुझे ये कह रहा था कि शाह साहब आप हुसैनी सबील का नाम रख के कहीं पर भी खुदवाएंगे तो पानी मीठा निकले, किसी जगह पे लगवाएंगे तो मीठा। नाज़रीन करम, हम पढ़े लिखे लोग शायद इस बात का यकीन ना करें, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्हें नाम हुसैन पे इतना एतबार है कि उनके एतबार की बदौलत हमने यहाँ पर एक काम शुरू किया। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये हैंडपम्प है जिसका पानी ब्रैकिश है और साल्टिश है, और मेरे राइट हैंड पे ये हमारा वेल है जो अभी हमने बोर किया है, और इसका पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बरसात के पानी जैसा मीठा पानी है। फासला कुछ 4 से 5 फीट का भी नहीं है 2 बोर के दरमियान। यही मेरे के लिए, यही मौजज़ा हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हमारी नेक नियति आप तमाम लोगों की फराख तली देखिए कैसे कैसे काम जो है वो अंजाम देती है। यहाँ पर 100 जो घर हैं, हम स्पेशली वो सारे 100 घर, छोटे उनके बच्चे जो अपने छोटे छोटे शानों पे पता नहीं कहाँ कहाँ से पीने का पानी लेकर आते थे क्योंकि यहाँ पर पानी पीने का मैसर नहीं था, हम साजिद अली साहब के
बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पर एतबार किया, अपने डोनेशंस अपने एहतियात हमारे हवाले किए। नतीजा आप देख रहे हैं, सबील हुसैनी है, ताहयात जारी रहेगा। और इस सबील हुसैनी को ताहयात जारी रखने के लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम ने और हमारी जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन साहिबान ने जो अपने कीमती वक्त दिया है, मौला हुसैन का नाम लेकर सबील हुसैनी जो हमने यहाँ पर लगाया वो बिल्कुल मीठा है और पीने के काबिल है। नाज़रीन करम, हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, केयर एंड रिलीफ टीम, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी विंडी सीज़न है। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर, जल्दी से जल्दी हम इन गरीब लोगों की जितनी भी हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह अब ये हमारा सातवां कुआं है और जो पहले जो कुएं लगे हुए थे वो सारे के सारे मीठे थे और ये उन सबसे अच्छा है। सब ये को पानी मीठा आएगा, तड़का नलका का पानी खा रहा है, इसी तरह का मीठा है। अच्छा, इसका पानी खा रहा था और इसका पानी मीठा है। तड़े का पानी मीठा है, नलके का पानी खा रहा है। मेहरबानी मिलियो तड़ो, हमारी मेहरबानी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हैंडपम्प था उसका पानी कड़वा था और कुएं का पानी मीठा है, आपने हमें पानी यहाँ पर फ्राम करके दिया है, इसके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी। हल्के पानी खा रो है साईं, यहाँ तले तड़ा जो मीठो पानी है साईं, मेहरबानी हमारी, ठीक है साईं। ये भी वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहले हैंडपम्प था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि नाज़रीन कराम इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हैंडपम्प का पानी जो था वो कड़वा था और कुएं का पानी जो है वो मीठा है। और जैसे कुएं का पानी मीठा है तो इन्होंने हैंडपम्प का हेड वगैरह निकाल के फेंक दिया है। तो नाज़रीन कराम, हम केयर एंड रिलीफ टीम डिस्ट्रिक्ट सरप्रकर से आपसे ये अपील करते हैं कि सबील हुसैनी को आम करना है, हुसैनियत को आम करना है। हम आपको हुसैनियत को आम करने की दावत देते हैं, आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इन जो बेकस जो बेसहारा लोग हैं इनके हम किसी न किसी काम आ सकें।